कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा जी अभी तो। अच्छा, बस इतना जरूर है कि सरकार की मिट्टी पलीत हमने भी पूरी करी रखी। मतलब मिट्टी पलीत करने में कोई कसर नहीं है? नहीं, हमारी तरफ से भी कोई कसर नहीं है जी। और सरकार भी डीठ बनी बैठी है? डीठ ही बनी बैठी भी तो। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी बात पे कुछ अभी गौर होगा? जब 32 दिन हो गए हैं और सारे तीज और त्यौहार आपके बीच में निकल गए, लेकिन अभी तक तीज त्यौहारों पे भी सरकार के कानों में आप लोगों तक आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुंची, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सरकार के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये नीयत में तो इनकी खोट पहले से ही है, और रही डीट की बात, तो डीट सीधे करने आवे तो क्या मतलब सीधे करे बिना सरकार नहीं मानने वाली? मानो ना तो अब तक मान लेंदी। अच्छा, मान लेंदी जी। जिस ना 24 घंटे काम करके देने वाले और 40 काम है जो मतलब सेल्फ अप्रेजल के जो मानदेय फार्मिंग का बनवाए हुए हैं, तो उसके 40 काम हम विभाग के कर रहे हैं और 30 काम करीब ऐसे हैं जिनकी मतलब फ्री के हैं आशाओं के, जो सिर्फ ऊपर से आदेश आता था और नीचे आशाओं के ऊपर इम्प्लीमेंट होता था उसका। विधानसभा में अभी जो पीछे मानसून सत्र गया है उसमें आप लोगों की आशा वर्करों की आवाज़ कुछ बुलंद हुई है, चाहे किसी विधायक ने आवाज़ उठाई, चाहे आप लोगों के किसी जनप्रतिनिधि ने मांग वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का आपके प्रति रुख नरम नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ एहसास है? अभी हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा जी। अच्छा। हाँ, आवाज़ उठाई है विपक्ष वालों ने भी, और जो खुद इस टाइम सरकार में मौजूद हैं उन्होंने भी इस बारे में बात रखी है, लेकिन अभी रुक कम कुछ नहीं कह सकते। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, आपकी बहनें, कहीं ना कहीं आशा मिलने का प्रयास किया किसी गाँव में, लेकिन दुष्यंत का जवाब क्या मिला उसके बारे में क्या आप संतुष्ट हैं? एक उप मुख्यमंत्री राज्य का, और वो ये बात कह रहा है कि जनता, हमें आप लोगों से कोई लेना देना है नहीं, और जनता की बात है तो जनता किसकी है, परेशान तो जनता हो रही, वो उप मुख्यमंत्री की होगी जिसने चुना है उसको, तो जब वो उसको ही अपना नहीं मान रहे तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। तो मौजूदा सरकार के अलावा जहाँ तक विपक्ष की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष आपके साथ खड़ा है? नहीं, विपक्ष का हम ऐसा कुछ तो नहीं कह सकते कि साथ खड़ा है। हाँ, कुछ की आवाज़ मतलब उठाई है, और अच्छा सराहनीय प्रयास था उनका के बात रखी उन्होंने। बाकी विपक्ष से भी हम तो यही अपील करेंगे कि वो अपना घोषणा पत्र में इन सभी समस्याओं को डालें। तो सुषमा जी, 2024 भी दूर नहीं है, 2024 कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी नहीं है, जब हर यूनियन हर कर्मचारी कहीं ना कहीं सड़कों पर है? आप देख लो इन 5 सालों का मतलब आंकड़े उठा के, आशा, सरपंच, मतलब मिड डे मील, आंगनवाड़ी, और कोई भी विभाग ऐसा, भूतपूर्व सैनिक भी, और कोई भी विभाग ऐसा नहीं था कि सड़कों पे ना आया हो, और खिलाड़ी जी जो कि मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने विश्व में नाम रोशन किया, और आशाओं ने भी मतलब ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड लिया, कोई सब सड़कों पे बिठाए हुए हैं, इतने मतलब प्रदर्शन चले हैं, और जो आज तक आपने देखा होगा इन 70 सालों में ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ जैसा आशाओं के साथ किया गया, पहले 17 मार्च को और अब 28 को विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, ऐसा एहसास करवाया इन्होंने के आज़ादी से पहले की याद दिला दी। 11 सितंबर का भी आपने डेट दी थी कि 11 सितंबर तक हम बैठेंगे, तो 11 सितंबर तो बहुत नज़दीक है, तो अगर 11 सितंबर तक भी आप लोगों की मांगों पर कोई गौर नहीं किया जाता, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे हमारे राज्य की मीटिंग है, उसके बाद ही देखेंगे क्या रहेगा फैसला। तो फिलहाल तो दरी पे बैठने का इरादा है? फिलहाल दरी पे ही। धन्यवाद।